मुइन अख्तर पाकिस्तान टेलीविजन, स्टेज और फिल्म के एक मजाहिया अदाकार और मेजबान हैं। इसके अलावा बतौर फिल्म हिदायतकार, प्रोड्यूसर, गुलुकार और मुसन्निफ के तौर पर भी काम कर चुके हैं। फन की दुनिया में मजाह से लेकर पैरोडी तक, स्टेज से लेकर टेलीविजन तक, मुइन अख्तर वो नाम है जिनके बगैर पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख नामुकम्मल समझी जाती है। 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा होने वाले मुइन अख्तर को उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी, मेमन, पश्तो, गुजराती और बंगाली समेत कई जबानों पर उबूर हासिल था। मुइन अख्तर फन की दुनिया के बेताज बादशाह थे जिसका एतराफ दुनिया के हर कोने में मौजूद उन जबानों को समझने और बोलने वाले अफराद करते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से ताल्लुक रखने वाले मुइन अख्तर ने पाकिस्तान टेलीविजन पर अपने काम का आगाज 6 सितंबर 1966 को पाकिस्तान के पहले यौम दिफा की तकरीबात के लिए किए गए प्रोग्राम से किया, जिसके बाद उन्होंने लातादाद टीवी ड्रामों, स्टेज शोज में काम किया। मुइन अख्तर ने अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ टीम बनाकर कई मयारी प्रोग्राम पेश किए। मुइन अख्तर के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ड्रामों में रोजी, बंदर रोड से किमाड़ी, आंगन टेढ़ा, सचमुच, रफ्ता रफ्ता जैसे बेमिसाल ड्रामे शामिल हैं। पैरोडी की सलाहियत को अदाकारी का सबसे पहला मरहला समझा जाता है। ये सबक मुइन अख्तर ने अपने करियर की इब्तिदा ही में सीख लिया था। चूँकि पैरोडी के फन में महारत हासिल करने के बावजूद इन्होंने खुद को इस काम तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर अदाकारी के तख्लीकी जौहर तक रसाई हासिल की। उर्दू ड्रामों में इनका काम बच्चों, बड़ों, हर उम्र के लोगों में यकसा मकबूल है। मुइन अख्तर अदाकार लहरी के बहुत बड़े परिस्तार थे। साबिक सदर जियाउल हक, साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो, साबिक सदर याहिया खान, साबिक सदर गुलाम इसहाक खान और परवेज मुशर्रफ से लेकर दीगर मुल्क की हुकुमरानों ने न सिर्फ उनके काम को सराहा बल्कि अपने सामने लाइव परफॉर्मेंस का भी मौका दिया। एक वक्त था जब भारत के अवार्ड शोज मजाक के बगैर अधूरे समझे जाते थे। मुइन अख्तर और उमर शरीफ को बाकायदा तौर पर इन अवार्ड की मेजबानी के लिए बुलाया जाता रहा। अपनी मेहनत, लगन और उम्दा अदाकारी की वजह से पाकिस्तान के लिए फखर का बाइस बने। मुइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को कराची में दिल का दौरा पड़ने के बाइस इंतकाल कर गए, लेकिन अपने मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे।